हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन इगुआना। अगर आप कोई ऐसा पेट चाहते हो जो एक यूनिक लगे और एक्जॉटिक भी हो, तो अब आप एक इगुआना ले सकते हैं। आज के दिनों में एक्जॉटिक पेट्स में जो सबसे ज़्यादा पाला जाता है वो है ग्रीन इगुआना। पर क्या आपके लिए भी ग्रीन इगुआना सूटेबल है, ये हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में। ये एक साउथ अमेरिकन ब्रीड है। ये साउथ अमेरिका, ब्राज़ील और वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर मिलता है। तो अब हम बात करेंगे इसके साइज के बारे में। ग्रीन इगुआना जब आप ख़रीदने जाओगे तो हो सकता है ये 10 से 12 इंचज़ का मिले। ये देख के बहुत लोग हो सकता है सोचेगा ये ऐसा ही रहेगा, पर ऐसा नहीं है। ये 6 से 7 फीट तक बढ़ सकता है। इसलिए इसके फ्यूचर के साइज को मद्देनज़र रखते हुए आप एक ग्रीन इगुआना ख़रीदने के बारे में सोचिए। अगर आप एक 6 या 7 फीट का लिज़र्ड पाल सकते हैं तभी आप एक इगुआना अडॉप्ट कीजिए, वरना ये आपके लिए नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इसके वेट के बारे में। एक एडल्ट इगुआना 20 पाउंड तक होता है, मतलब 9 से 10 किलो। इस वेट को नज़र पर रखते हुए आप समझ पाओगे आपका इगुआना हेल्दी है या नहीं। तो अब हम बात करेंगे इसके लाइफ स्पैन के बारे में। वाइल्ड में तो एक इगुआना 8 से 9 साल तक की 10 साल तक जीता है, पर कैप्टिविटी में ये 15 से 20 साल तक भी जी सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसके एनक्लोज़र के बारे में। आप अपने इगुआना को एक बड़ा एनक्लोज़र प्रोवाइड कीजिए, और हाँ, उसका एनक्लोज़र का हाइट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इनको क्लाइंबिंग बहुत पसंद है। तो इसलिए इसका हाइट अगर ज़्यादा होगा तो वो इसके ऊपर चढ़ भी सकता है। जब आप इगुआना खरीद के लाएंगे तो हो सकता है उसका साइज छोटा हो। आप सोच सकते हो इतने छोटे से इगुआना के लिए क्यों इतना बड़ा केज बनाएं, पर अगर आप खर्चा ही करेंगे तो एक बार ही कीजिए, तो इसलिए आपका पैसा ही बचेगा और इगुआना को भी रहने में इजीली होगा। अपने इगुआना को कभी भी छोटे से इनक्लोज़र में मत रखिए, क्योंकि अगर आप अपने इगुआना को एक छोटे से इनक्लोज़र में रखेंगे और उसका टेल अगर बार बार इनक्लोज़र के वॉल में टच लगे तो वो उससे डिस्टर्ब हो सकता है और गुस्से में हो सकता है वो अपना टेल को कट कर दे। हाँ, आपने सही सुना, इगुआना भी एक रेप्टाइल होता है और इसलिए ये भी अपने टेल को अपने शरीर से अलग कर सकता है अपने मर्जी के कारण। इसलिए और एक बार अगर इसका टेल कट हो गया तो ये पहले जैसा नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे लाइटिंग के बारे में। इगुआना को यूवी लाइट बहुत ही एसेंशियल है। इगुआना खाने के बिना एक हफ्ता रह सकता है, पर यूवी लाइट के बिना एक हफ्ता नहीं रह सकता। इसमें बहुत तरीके का डिजीज़ आ सकता है। यूवी लाइट इगुआना को कलर शाइनिंग और उसको बहुत ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बहुत ही काम करता है, इसलिए यूवी लाइट उसके लिए एसेंशियल है। हाँ, इसको खाना हजम करने के लिए हीट का ज़रूरत होता है, जबकि ये एक रेप्टाइल है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से नहीं मेंटेन कर पाता। इसलिए अगर समर है तो आप सनलाइट में भी इसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, पर अगर विंटर है तो आपको एक बास्किंग लैम्प भी ज़रूरत हो सकता है। अपने इगुआना के एनक्लोज़र में 10 से 12 घंटे लाइट ऑन रखिए और 10 से 12 घंटे लाइट ऑफ रखिए। ये उसका एक नेचुरल हैबिट होता है, तो अगर आप ये मेंटेन कर पाएंगे तो आपका इगुआना और भी अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करेंगे इगुआना के डाइट के बारे में। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, इगुआना एक वेजिटेरियन है, मतलब ये ओनली फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, लीव्स, ये सभी खाता है। ये कोई भी इंसेक्ट्स या कोई भी हाई प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स नहीं खाता है। तो अगर आप अपने इगुआना को एक अच्छा डाइट देना चाहते हो तो आप उसको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट या कुछ टाइप्स ऑफ फ्लावर उसको दे सकते हो, ये उसके लिए बहुत हेल्दी होगा। और हाँ, कभी भी अपने इगुआना को कोई भी हाई प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स खिलाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे उसका किडनी भी फेल हो सकता है। अपने इगुआना को हेल्दी रखने के लिए या फिर उसका ग्रोथ अच्छा रखने के लिए उसके डाइट में कैल्शियम ऑब्वियसली दीजिए। कैल्शियम उसके फास्ट ग्रोथ में या फिर उसका बॉडी मेंटेन करने में बहुत मदद करता है, इसलिए कैल्शियम ऑब्वियसली उसके खाने में दीजिए। मार्केट में बहुत तरीके का कैल्शियम सप्लीमेंट मिलता है रेप्टाइल्स के लिए, तो वो आप अपने रेप्टाइल के खाने में स्प्रे करके या फिर मिक्स्ड करके दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उसके हैंडलिंग के बारे में। कभी भी अपने इगुआना को उसके टेल से मत पकड़ना, क्योंकि अगर आप उसके टेल से उसको पकड़ोगे तो हो सकता है वो टेल उसका टूट जाए। इगुआना को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसके चेस्ट के नीचे से हाथ रख के उसको पकड़िए, इसमें वो कंफर्टेबल फील करता है और ऐसे ही उसको हैंडलिंग करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इगुआना के केयर के बारे में। इगुआना एक रेप्टाइल है, इसलिए कभी कभार इसका स्किन श्रेड होता है। इस टाइम आप उसको हो सके तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा दीजिए, इससे उसका स्किन श्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, अपने इगुआना को हर 2 से 3 दिन में एक बार ल्यूक वार्म वाटर से एक बात दीजिए। इस बात के कारण उसका बॉडी भी क्लियर रहेगा और उसको कोई इन्फेक्शन डिजीज़ लगने का भी चांस कम रहेगा।
कोशिश करना अपने इगुआना को एक हेल्दी डाइट देने के लिए, इससे उसका इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा रहेगा और उसका ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। और हर दिन सुबह जब भी सनराइज़ हो तब अपने इगुआना को एक से दो घंटे के लिए धूप में रखना, इससे उसका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होगा और उसके फूड डाइजेशन में भी मदद होगा। तो अब हम बात करेंगे इगुआना के बिहेवियर के बारे में। इगुआना एक बहुत ही शांत एनिमल है, ये एक देखा जाए तो ये एक डॉगी के जैसा है। ये बहुत ही अच्छा टेम होता है, अगर आप इसका कोई पेट नेम रखें और उस नाम से अगर आप इसको पुकारे तो ये आपको रेस्पॉन्स भी करता है। ये बहुत ही फ्रेंडली और काम नेचर का होता है, ये ज़्यादातर कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता, पर हाँ कभी कभार ये बहुत एग्रेसिव भी हो जाता। ये कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करता, ये बहुत बार सिग्नल देता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। जैसे कि जब ये एग्रेसिव होता है तो ये अपना गालों को फुला लेता है, अपना टेल को इधर उधर हिलाता है और अपना मुंडी को ऊपर नीचे करता है। ये उस साइन है कि वो डिस्टर्ब है, उसके पास मत आओ। कभी भी एक एग्रेसिव एडल्ट इगुआना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। इनका टेल इतना पावरफुल होता है कि ये आपको एक बहुत गहरी चोट भी पहुंचा सकता है, तो इसलिए कभी भी एक एग्रेसिव इगुआना को हल्के पे मत लीजिए। इगुआना एकदम कैट्स के जैसा होता है, ये अपने आप को क्लीन रखना बहुत ही पसंद करते हैं। ये अपने एनक्लोजर में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये इधर उधर गंदगी मत नहीं करते। अगर आप अपने इगुआना को अपने घर में खुला रख रहे हो तो वो आपको घर को गंदा नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके ही फ्रेश होगा। तो ऑन एन एवरेज अगर इगुआना के बिहेवियर के बारे में बात करें तो ये एक शांत एनिमल है, बहुत ही कम केसेस में ये किसी के ऊपर अटैक करता है। तो अब हम बात करेंगे इनके ब्रीडिंग के बारे में। 2 से 3 साल की उम्र में एक इगुआना एडल्ट होता है, इसके बाद वो ब्रीड करता है। ये बेसिकली ब्रीड करता है समर सीजन में, इस टाइम मेल और फीमेल मेट करता है और फीमेल बहुत सारे नेस्ट बना के उसमें बहुत सारे अंडे देता है, क्योंकि नेचर में ये अगर एक ही नेस्ट में अंडे डालेंगे तो हो सकता है कोई प्रेडिटर आके वो अंडे ख़राब कर दे, इसलिए वो बहुत सारे नेस्ट बनाता है और सब नेस्ट में थोड़े थोड़े करके अंडे रखता है और सभी नेस्ट से ही बच्चे निकलते हैं। और ये सारे बच्चे निकलते हैं रेनी सीजन में, क्योंकि इस टाइम रेनी सीजन होता है तो बहुत तरीके का ग्रीन वेजिटेबल्स उगता है और बच्चों को ग्रोथ में बहुत मदद होता है, क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल्स खा के ही बड़े होते हैं। तो अगर आपको भी एक बेबी ग्रीन इगुआना पालना है तो आपको भी रेनी सीजन तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइम में मार्केट में भी इनके बच्चे अवेलेबल होता है। तो इस वीडियो के एंड में इगुआना के बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसे कि पहला, इगुआना के माउथ में बहुत ही छोटे छोटे शार्प टीथ होते हैं, जबकि ये एक वेजिटेरियन है तो लीव्स और वेजिटेबल्स को ग्रिप करने में ये मदद करता है। दूसरा है, इगुआना बहुत ही अच्छे स्विमर होता है, इनका टेल इनको स्विमिंग में बहुत मदद करता है। और थर्ड है, इगुआना के सर पे एक थर्ड आई होता है जो इसको लाइट और डार्क में डिफरेंस करने में हेल्प करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेल इगुआना के ऊपर, मेल इगुआना के पास 2 पेनिस होता है, ब्रीडिंग के टाइम में इसमें से एक एक्टिव होता है और एक इनएक्टिव स्टेज में रहता है। तो जब बात आती है फीमेल इगुआना की, तो फीमेल इगुआना के पास भी एक एबिलिटी है, ये कि वो एक बार ब्रीड करने के बाद वो अपने शरीर के अंदर स्पर्म को स्टोर कर सकता है। हाँ, इसका मतलब दूसरे सीजन में अगर मेल अवेलेबल ना भी हो तो भी वो अंडे ले कर सकता है और वो एक फर्टाइल अंडा होगा, मतलब उसमें से बच्चे भी निकलता है। और एक लास्ट फैक्ट ग्रीन इगुआना के ऊपर, इसका नाम ग्रीन इगुआना है पर ये और भी बहुत कलर म्यूटेशन में मिलता है, जैसे ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, वाइट और भी काफ़ी सारे मिक्सिंग कलर में भी मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये था एक वीडियो ग्रीन इगुआना के ऊपर, तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।